नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार भाव सिंह का, मैं शाश्वत योगा से। कोविड-19 महामारी ने लोगों को उनकी सेहत को लेकर जागरूक करने का काम किया है। लोगों को इस बात का बखूबी एहसास कराया है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात हमारी इम्यूनिटी का बेहतर होना कितना जरूरी है। इम्यूनिटी ही हमें संक्रमण और वायरल से बचाने में मदद करती है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई सारे उपाय, कई सारी सलाह दी जा चुकी है। यह जटिल नेटवर्क ही वो हथियार है जो हमारे शरीर को बीमारियों और संक्रमण से सुरक्षित रखता है। शरीर के किसी भी दूसरे हिस्से की तरह प्रतिरक्षा प्रणाली भी साल दर साल कमजोर होती जाती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि हमारे बीमार पड़ने की आशंका बढ़ जाती है, हमारे संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो 80 साल के हैं लेकिन का इम्यून सिस्टम 60 इयर्स का है, 60 साल का है, और कई मामले इसके बिल्कुल उलट भी होते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम के कमजोर होने की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें सिर्फ कुछ बातें अपनानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए शारीरिक तौर पर सक्रिय रहने की जरूरत है। वॉकिंग एक बहुत अच्छा उपाय है। यह आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम उपाय में से एक है। सुबह और शाम आधे घंटे से 45 मिनट तक वॉकिंग करें। अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकते हैं और घर पर ही कुछ अभ्यास करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। आपको अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना पड़ेगा, जिसके जरिए इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में बहुत मदद मिल सकती है। योग शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, चिंता और तनाव को कम करता है, मन में पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार और ताजगी का संचार करता है। अब हम देखते हैं कि योग कैसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करने में हमारी सहायता करता है। योगासन के अभ्यास के दौरान जब हम ट्विस्टिंग के आसन करते हैं, ट्विस्टिंग पोज करते हैं और हिप ओपनिंग के पोज करते हैं, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के सेकेंडरी अंगों को सक्रिय करने में मदद मिलती है। जब हम इन्वर्जन का अभ्यास करते हैं, ऐसे पोज जिसमें आपका सर नीचे हो और आपका पांव ऊपर हो, तो लसिका अर्थात लिम्ब और प्रतिरक्षा कोशिकाओं के प्रवाह को बेहतर करने में मदद मिलती है। फॉरवर्ड बेंड्स पोस्चर्स में शरीर की प्राकृतिक रक्षा क्षमता को मजबूत करने में सहायता मिलती है। बैकवर्ड बेंड में जब हम अपनी चेस्ट को एक्सपैंड करते हैं तो हमारा थाइमस स्टिमुलेट होता है। अगर हम इन सारे जो भी मैंने आपने योगा के प्रकार को आपको बताया है, उनको अब हम प्रयास करके देखते हैं कि हम उनका प्रयास उनका अभ्यास हम योग में कैसे कर सकते हैं। अब हम तीन योगा आसनों का अभ्यास करेंगे। तीनों बहुत सरल हैं, आप में से हर कोई कर सकता है। जो लोग इन आसनों को जमीन पे बैठ कर नहीं कर सकते हैं, वो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। मैं अल्टरनेट भी बताऊंगा अगर किसी को बैक पेन हो तो। पहले आसन में हम अपने चेस्ट को एक्सपैंड करने वाले हैं बैकवर्ड बेंड करते हुए। उसके लिए मैं साइड पे बैठूंगा ताकि आपको समझ में आए। आप किसी भी सुखद आसन में बैठे, यहाँ से सांस लेते हुए आप दोनों हाथों को सामने की ओर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीठ के पीछे जमीन पर रखें। अब सांस लेते हुए कमर को सामने की ओर पुश करें, छाती को खोलेंगे, सिर को पीछे ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे आपको 10 सांसों के लिए रुकना है, 10 सामान्य सांसों के लिए, और जब 10 सामान्य सांसें हो जाए तो फिर आप सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथ घुटनों पे। उसके बाद दोनों पांव को सामने खोलिए, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, थोड़ी को हल्का सा ऊपर और रिलैक्स करेंगे। जब तक आप रिलैक्स नहीं हो यहीं पे रुकेंगे।
आप चाहे तो इसको इस आसन को 2 से 3 बार अभ्यास कर सकते हैं। हर एक बार आप 10 सांसों के लिए रुकेंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। अगला अभ्यास जिसमें हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, पिछली बार हम पीछे झुके थे, इस बार हम सामने झुकने वाले हैं। यहाँ से इस अभ्यास के लिए आप किसी भी सुखद आसन में बैठे, एक बार फिर से जो जमीन में नहीं बैठ सकते हैं चेयर पे बैठेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, हाथों को ऊपर खींचिए, पीठ को सीधी रखते हुए सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुके, जहां तक आप नीचे आ सकते हैं नीचे जहां पहुंच जाएं। उसके बाद हाथों को जमीन पे रखिए, कमर को मोड़िए, जमीन पे रखिए और उसके बाद सांस छोड़ते हुए सिर को जमीन पे लाने का प्रयास। एक बार फिर से यहाँ पे 10 सांसों के लिए रुकेंगे और जब 10 सांस सामान्य सांस हो जाए तो सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाए। उसके बाद दोनों पाँव को सामने खोलिए और विश्राम करिए। ध्यान रखें इस आसन में अगर किसी को बैक पेन हो तो वो सामने की ओर नहीं झुकेंगे। उनको क्या करना है, जिनको बैक पेन है, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने जमीन पे रखें, पीठ को सीधा रखना है, पूरा नीचे नहीं जाना है। यहीं पे 10 सांसों के लिए रुकेंगे और 10 सांस होने के बाद सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास ट्विस्टिंग का है। एक बार फिर से किसी भी सुखद आसन में बैठे, उसके बाद सांस लेते हुए आप दोनों हाथ कंधे के सीध में लाएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट वाला हाथ राइट घुटने पे, राइट वाला हाथ कमर के पीछे जमीन पे और ट्विस्ट करते हुए पीछे देखेंगे। इसी को मैं आपको साइड एंगल से दिखाता हूं। साइड एंगल में सांस लेते हुए आप दोनों हाथों को खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट वाला हाथ पीछे, लेफ्ट वाला हाथ राइट घुटने पे और पीठ को सीधा रखते हुए ट्विस्ट करेंगे। अपनी थोड़ी को राइट कंधे के पास लाने का प्रयास। आप में से कई लोग ऐसे लीन कर सकते हैं तो ध्यान रखें कि लीन नहीं करना है, पीठ को सीधा रखना है, चेस्ट को ओपन रखना है। यहाँ पे 10 सांसों के लिए रुकेंगे और 10 सांस होने के बाद इनहेल करते हुए वापस सेंटर पे आइए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ दीजिए। उसके बाद फिर आप लेफ्ट साइड करेंगे इसी अभ्यास को। लेफ्ट साइड करने के बाद आप दोनों पांव को सामने खोलिए और रिलैक्स करिए। इन 3 आसन को आप 2 से 3 बार कर सकते हैं और जब अभ्यास समाप्त हो जाए उसके बाद थोड़ी देर विश्राम करें। ध्यान रखें कि आप उतना ही अभ्यास करें जितना आप कंफर्टेबल हो, किसी भी पोज में जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना कंफर्ट हो उतना ही अभ्यास करें। ध्यान रखें आसन आपके लिए सुखद होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे योगा आसनों का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें दैनिक अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि केवल 10 मिनट के नियमित अभ्यास से भी आपको परिणाम मिलेंगे। ध्यान रखें कि योगा अभ्यास चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही योगासन का अभ्यास करें। एक प्रशिक्षित योग शिक्षक की देखरेख में ही योग को सीखना और उसका अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि आप योग का अभ्यास जारी रखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।